स्टूडियो में जरूर तशरीफ आवर हुए होते हैं और आज भी मेरे स्टूडियो में एक बहुत ही टैलेंटेड स्केच आर्टिस्ट हैं वेल ये जो है अपने यूनिक स्केचिंग स्टाइल से जाने जाते हैं और बात जब इनके स्केच की आती है तो इनके स्केच में सिर्फ हमें तस्वीरें नहीं बल्कि इनके स्केच की जो है हर एक स्केच की एक अलग कहानी है अलग स्टोरी है वेल well, इनका नाम है जुनैद इकबाल जो कि सन ऑफ द सॉइल हैं ऑफकोर्स अनंतनाग से ही बिलोंग करते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के इनका इस्तेबाल करते हैं हम अपने शो पे सो so, इकबाल फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू रेडियो राब्ता नाइनटी पॉइंट एट एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने हमें अपना

पेड़ पौधे बनाने का शौक था लेकिन फिर मैंने एक दिन सोचा कि मैं ना क्यों अपनी शक्ल बनाऊं मुझे शौक हुआ कि मैं अपनी चा, अपना चेहरा बनाऊं तो मैंने ट्राई किया पहली बार तो मैंने जब ट्राई किया तो मैंने कार्टून जैसा बनाया था अपना चेहरा अच्छा। बिल्कुल कार्टून जैसा <laughs> था तो मैंने लेकिन मैंने हार नहीं मानी मैंने कहा कि हार नहीं मानी मैं आगे बढ़ता रहा टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में मैंने लगभग लगभग कर दिया था अपना अच्छा। और वहां से मैंने स्टार्ट किया फिर इसको मैंने फिर प्रोफेशनल प्रोफेशनल आर्ट बना दिया वहाँ से लेकर आज तक जो भी मैं बनाता हूँ मतलब एज ए मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाता हूँ बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ और अपने आर्ट को बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से और कीमती वक्त से बनाता हूँ ताकि लोग पसंद करें तो आज आप माशाल्लाह मेरी वर्क देख सकते हो वे जुनेद आप मुझे ये बताओ कि आपने अभी बोला कि आपको एक शौक पैदा हुआ कि आप चिड़िया वगैरह बनाएंगे पहले उसके बाद जो है आपने स्केच आ, स्टार्ट किया अपना इंसानों का बनाना तो ये कहीं से आपने सीखा या फिर यू नो यूटूब वगैरह जैसे कि आजकल हम ये जो जनरेशन है वो ज्यादातर सोशल मीडिया पे ही सीख रही है तो आपका क्या था पहले तो ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुंचू पहुंच जाऊंगा लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया जब मेरे लगा कि मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है तो मैंने यूट्यूब लिया तो मैंने, मैंने, करके दिखाई फिर एंड लेकिन अभी मैं सीख रहा हूँ मुझे पूरा आता नहीं है अभी मैं सीख रहा हूं और मैं चाहता हूँ कि और भी सीख और भी आगे तो मुझे ये बताओ कि स्केचिंग के अलावा आप और क्या करते हैं स्केचिंग के अलावा मुझे लगा था एक, एक जगह पे मुझे ये भी लगा था कि स्केचिंग से म, मैं सिर्फ स्केचिंग नहीं करना चाहता था अच्छा। तो फिर मैंने कैलीग्राफी में मतलब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा तो कैलीग्राफी स्टार्ट करना शुरू किया वो भी सीख सीख रहा था और माशाल्लाह आज अच्छी कैलीग्राफी करता हूँ फिर उसके साथ मैंने थ्रेड कैलीग्राफी का भी इस्तेमाल किया जिस जो कि एक जो कि हम थ्रेड से बनाते हैं दागे से बनाते हैं पहले तो एक बोर्ड लाते हैं हम उसके ऊपर हम कील लगाते हैं उसके ऊपर हम धागा लगाते हैं और एक अच्छी कैलीग्राफी को डिज़ाइन करते हैं तो आप मुझे ये बताओ कि आप ऑफ कोर्स स्केचिंग के अलावा आपकी जो स्टडीज़ है तो स्केच एंड स्टडीज़ इन दोनों चीज़ों को आप बैलेंस कैसे कर पाते हो मुतासर नहीं हुई कभी आपकी स्टडीज़ ये जो स्केचिंग और स्कूलिंग या जो मेरी एजुकेशन है mm -hmm. इसमें तो मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ा मैंने स्केचिंग भी की है और मैं ग्रेजुएशन भी हूँ खत्म किया है लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि स्केचिंग या कैलीग्राफी की वजह से मेरे मेरी स्टडी पे कोई बैड इफेक्ट पड़ रहा हो मैंने मुझे कभी ऐसा नहीं लगा mm -hmm. कभी नहीं लगा मुझे मतलब मैं अपना टाइम उसको दे रहा था स्केचिंग तो अपना टाइम स्टडी को देख रहा था और माशाल्लाह ग्रेजुएशन कम्पलीट हो गई है ओके

तो आप मुझे बताओ कि अभी तक आपने लगभग कितने स्केच बनाए होंगे ऐसे तो मैंने 500 से ज्यादा बनाए होंगे ओके तो उसमें से कुछ खास स्केच उसमें से खास स्केचेस तो मदर टेरेसा अल्बर्ट आइंस्टाइन विराट कोहली ओके बहुत सारे तो ज्यादा टाइम आपको किस किस स्केच को बनाने में लगता है मतलब जो विमेन्स हैं या फिर जो मेल आ, हमारे आ, हैं उनको अच्छा सवाल है जो जब मैं स्केचिंग करने बैठ जाता हूँ तो जब कोई फीमेल का स्केच होता है तो उसमें ना ना दाढ़ी होती है ना नाचे होती है <laughs> कुछ नहीं होता है तो उसमें ना थोड़ा कम टाइम लगता, okay. लगता है ज्यादा टाइम लगता है ज्यादा टाइम लगता है दाढ़ी नहीं होती है ना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको बनाने में उसकी आउटलाइन को शेड कर ज्यादा तो शेडिंग का मसला होता है उसमें तो उसको टाइम ज्यादा लग जाता है क्योंकि जो मर्द होता है उसको तो दाढ़ी होती है दाढ़ी बना दी हो गया आधा फेस खत्म लेकिन लड़कियों <laughs> का ऐसा मतलब मसला of, नहीं है हाँ। लड़कियों की जो तस्वीरें हैं वो ज्यादा So, sketch, uh, को कर, आपके वालों का कैसा रहा? पहले तो मेरे वाले मुझे डान्ट, थे कि क्या करते हो, ये आज ऐसा नहीं है आज मेरे घर वाले सपोर्ट करते है मुझे इस फील्ड में लेकिन पापा अभी भी, भी बोल रहा है की मत करो ये भाई तो सपोर्ट करते है लेकिन पापा मुझे भी ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे इनशा वो भी करेगा <laughs> तो अभी तक आपके स्केच को कहीं से रिक्नाइजेशन मिली है आ, अभी तक तो रिकॉगनाइजेशन मैंने एक बार पार्टिसिपेट किया था खन्ना में तो वहाँ से मैं डी सर एस एच ओ सर थे वहाँ पे वहाँ से मैंने एक अवार्ड अचीव किया था वहाँ पे मैंने एक अच्छी पेंटिंग बनाई थी पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू तो वहाँ पे मुझे चेक मिली थी वहाँ पे मुझे अवार्ड मिला था तो वहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया था अपने आर्ट को ओके okay, तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो स्केच आप बना रहे हैं ऑफ कोर्स जो बर्डिंग आर्टिस्ट है हमारे जो छोटे छोटे आर्टिस्ट आ जाते हैं मतलब जो भी बिगनर्स हैं मेरा मतलब है तो क्या आप उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये तो मतलब मैं तो ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो ये एजुकेशन आर्ट ये होना चाहिए कश्मीर में क्योंकि यहाँ की स्कूल जो है वहाँ पे अगर देखा जाए किसी स्कूल में आर्ट टीचर नहीं है किसी स्कूल में आर्ट को सिखाया नहीं जाता है प्रमोट नहीं करते तो मैं चाहता हूँ कि स्कूल में कश्मीर के स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू में तो होता है लेकिन कश्मीर में नहीं है तो चाहता हूँ कि कश्मीर के स्कूलों में आर्ट टीचर्स होना बहुत ज़रूरी है बच्चों को अगर पहले से ही थोड़ा थोड़ा आधा घंटा एक घंटा क्लास मिल जाएगी आर्ट की तो मुझे लगता है कि वो आगे जाके मतलब कुछ बन सकते अगर सबको तो नौकरी नहीं मिलेगी यहाँ पे mm -hmm, exactly. इसलिए बच्चों को पढ़ने के साथ साथ आर्ट फन कलाकारी ये करना बहुत जरूरी है तो स्कूल में मिलना चाहिए अनफॉर्चुनेटली हमें स्कूल में ये सब नहीं मिला था हमने खुद मेहनत की तो आज लेकिन जो बच्चे उनके लिए एक मौका है उनके mm -hmm. लिए स्कूल में हो सकता है ये सब अगर गवर्नमेंट चाहेगी या स्कूल वाले चाहेंगे तो तो ऑफ़ uh, कोर्स आप स्केचिंग करते हैं तो इसको एज अ प्रोफेशन आप uh, अभी बना रहे हैं तो आप मुझे ये कि अभी तक जो है आपको uh, कितने लोगों ने uh, मतलब uh, बोला है कि हमारा स्केच बनाओ या फिर कितने ऑर्डर्स आए हैं अभी तक आपको बोलते तो रोज दिन में पंद्रह बीस तीस लोग मैसेज करते हैं मुझे फोन करते मुझे बहुत सारे लोग लेकिन उनमें से मोटिवेट कुछ ही लोग होते हैं जो कि ऑर्डर पे डिपेंड करते जो ऑर्डर्स लेते हैं और मैंने ऑर्डर्स कम से कम मुझे लग रहा है कि नियर अबाउट टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड ऑर्डर्स मैंने कम्प्लीट किए होंगे जिनको मैंने डिलीवर किया है मैं डिलीवर करता हूँ घर फ्री डिलीवरी करता हूँ मैं कश्मीर के मतलब जो कश्मीर के दोस्त है भाई है बहन उनको मैं डिलीवर फ्री कर देता हूँ नियर अबाउट टू फिफ्टी आर्डर किए होंगे तो लगभग कितना टाइम लगता होगा आपको एक स्केच प्रिपेयर करने में अगर बात करें कंप्लीट स्केच की फुल फेस स्केच तो दो ढाई घंटे लग जाते हैं लेकिन अगर बात करें कि हाफ स्केच फुल बॉडी तो मैं कम टाइम लग जाता है तो आप मुझे बताओ कि आपका जो स्केच है Uh, आपका ये स्केच किस तरीके से हमारी सोसाइटी में एक बेटर चेंज ला सकता है मुझे लगता है कि कश्मीर में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अन, है तो अगर हर कोई यंग जो यहाँ का यूथ यु, है कश्मीर का तो वो अपनी स्किल को जो उसके अंदर स्किल होगी उसको बाहर लाएगा तो वो यूज़फुल रहेगी सोसाइटी के लिए इससे क्या होगा जो टाइम लोग अपनी स्किल्स पे स्पेंड करेंगे इससे क्या होगा कि लोग बच जाएंगे ड्रग्स करने से बच जाएंगे टेंशन नहीं होगी एनजाइटी एंगजाइटी से बाहर निकलेंगे लोग तो इससे ना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा सोसाइटी पर ओके, okay, so आपका कहने का मतलब है कि जो हमारे अंदर का स्किल है, अगर इट्स नॉट चीजों से बचें बच सकते uh, so आप मुझे बताओ कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अभी फ्यूचर प्लान्स तो मेरे ये है कि मैं या तो अगर आर्ट मतलब जो मेरा आर्ट है या तो मैं अपनी आर्ट गैलरी खोलूंगा इंशाल्लाह uh -huh. और मेरा एक ड्रीम है कि मैं बच्चों को सिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने मतलब जर्नी जो मैंने आज की है जो मेरी एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँ अपने, अपने लोगों के साथ भाइयों के साथ बहनों के साथ मैं शेयर करूँ वो भी सीखे वो भी इंडिपेंडेंट रहे तो जुनैद आपकी क्या मैसेज रहेगी हमारे देखने वालों के लिए मेरी यूथ से यही मैसेज रहेगी कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है मेरे अंदर स्केचिंग का टैलेंट है कैलीग्राफी का टैलेंट है लेकिन हर किसी यूथ के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है किसी के अंदर क्रिकेट खेलने का टैलेंट होता है किसी के अंदर और कोई टैलेंट होता है तो मैं चाहता हूँ कि वो अपना टैलेंट बाहर लाए वो ड्रग्स करने से बच जाए अपना टाइम बर्बाद करने से बच जाए उससे बेहतर है कि वो अपनी जो सिकल है वो बाहर लाए हो, ताकि उससे अपनी सोसाइटी पे अच्छा इफेक्ट पड़ जाए उसके बच्चों सोसाइटी के बच्चों पे अच्छा इफेक्ट पड़ जाए वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करे पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करे और सबसे बड़ी बात वो खुद के लिए कुछ अच्छा करे ओके okay. तो थैंक यू सो मच जुनैद आपने अपना टाइम दिया हमें सो uh, so, ये थे जुनैद इकबाल एक टैलेंटेड बर्डिंग स्केच आर्टिस्ट हैं तो इनसे हमने आज बात की इनकी जर्नी को लेकर इंस्पिरेशन को लेकर तो सी यू नेक्स्ट टाइम हियर ऑन रीडर अप द 90.8 ऐसी किसी स्पेशल uh, पर्सनालिटी के साथ टिल देन दिस मैक फॉर नाउ साइनिंग ऑफ फ्रॉम मनीला